जो पुलवामा में नापाक हरकत पाक ने की है अब बर्दाश्त नहीं होगा। भारत सरकार को देश की जनता आर या पार की लड़ाई होगी। पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब महाभारत होगा, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। ये बात सांसद शांता कुमार ने पालमपुर में पुलवामा आतंकी हमले के विरोध प्रदर्शन के दौरान कही। लगातार पाक हमारी शालीनता का फायदा उठाकर हमारी भावनाओं को भड़का रहा है, अब पानी सर से ऊपर निकल गया है और अब भारत सरकार और देश की जनता आर या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस समस्या का अंतिम समाधान होगा और भारत सरकार तैयारी में है, अब पूरा देश तैयार है। सांसद शांता कुमार ने कहा कि जम्मू में सेना के काफिले के दौरान वाहनों को जाने की अनुमति वहाँ की जनता को परेशानी ना हो इसलिए दी गई थी, लेकिन यही कारण रहा है इस हमले का। पाकिस्तान हमारे सामने टिक नहीं पाया है, पाक ने हमेशा धोखा दिया है। अटल जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमें कारगिल युद्ध मिला और अब मोदी जी ने हाथ बढ़ाया तो पाक ने नापाक हरकत की। शांता कुमार ने कहा कि युद्ध में पाक हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा करता है, लेकिन अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं तथा पीएम मोदी ने भी सेनाओं को छूट दे दी है। उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी इस स्थिति में एकजुट होकर पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। देश सदमे में है, करोड़ों देश के लोग जिस कायरतापूर्ण कार्रवाई में लोग शहीद हुए उनके लिए आंसू बहा रहे हैं और पूरे भारत में इस सदमे पर बहुत अधिक शोक मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि लगातार हमारी शालीनता उसका नाजायज फायदा उठाकर पाकिस्तान आतंकवाद को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब मैं समझता हूं कि पानी सिर से ऊपर निकल गया है, सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। जब लोकसभा पर आतंकवादी आक्रमण हुआ था तब भी लगभग यही स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर कोशिश की और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सारी कोशिशें नाकामयाब सिद्ध हुई है। अब भारत सरकार और देश की जनता आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है और मैं यहाँ की जनता की तरफ से भी सबकी तरफ से उन सब परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ और उन सब परिवारों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके परिवारों का जो बलिदान है अब उस बलिदान के कारण इस समस्या का अंतिम समाधान मुझे लगता है नज़दीक पहुँच गया है और भारत सरकार उस दिशा में पूरी तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि अब तो सारी सीमाएं पार हो गई, पानी सिर से ऊपर निकल गया, अब तो द्रौपदी का चीरहरण भी हो गया है, अब तो महाभारत होना ही चाहिए और महाभारत की पूरी तैयारी हो रही है हम उसका, और पूरा भारत एकजुट होकर इस पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ की जनता की तरफ से भी पूरे देश के उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।